संविधान, जय भारत। पूरा देश इस जश्न में उत्सव मना रहा है। एक तरीके से देश में जो गर्मजोशी का माहौल है, इसमें हम देखते हैं कि विविध पंथ, विविध सांप्रदाय के लोग, भारत के सिटीजन, भारत के नागरिक इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हम सेकुलर हैं। सर, हम देखते हैं कि जो आज देश में पूरे के पूरे हम देखते हैं पूरे देश में जुलूस निकल रहे हैं, रैली निकल रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि वी आर सेकुलर, सेकुलरिज्म, यानी सेकुलर के हम लोग जो हमारे जो मूल तत्व है इसको हम लोग प्रमोट करते हैं और भारत जो धर्मनिरपेक्ष रहा है इसी की वजह से हम महाशक्ति बनेंगे। इस अवसर पर आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबके लिए मेरे दिल से यही दुआ निकल रही कि भारत ये गणतंत्र हमेशा के लिए रहे, क्योंकि उत्सव मनाना अपनी जगह है लेकिन संविधान की शपथ लेके जो सरकारें आ रही है या जो लोग संविधान की शपथ लेके आ रहे हैं उसके बाद वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं करते हैं, वो नज़र ही नहीं आ रहे कि संवैधानिक तरीके से काम हो रहे हैं। ये मेजॉरिटेरियन सरकारें बनने की कोशिश हो रही है। देश के कई ऐसी माइनॉरिटीज़ है, खासतौर से मुसलमान, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। आज भारत के कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, तो ये एक लोकतंत्र के लिए हेल्दी साइन नहीं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का जो भारत था, जो संविधान हमको जिस तरह के भारत की बात करता है, हम वही भारत फिर से बनाने की कोशिश करें। आज के दिन में यही मैसेज है। सर, हम देखते हैं कि जो सर्वे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम देख रहे हैं कि हर छोर पे हम पिछड़ते जा रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो या फिर कैपिटलिस्ट या क्रोनी कैपिटलिस्ट के जो आंकड़े आते हैं चौंकाने वाले होते हैं, तो हम एशिया में भी पिछड़ रहे हैं और एक तरीके से हम महाशक्ति होने का भी दावा करते हैं। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, इस पर आपकी क्या नज़रिया है? इस पर भले ही हम बाकी सब जगह पिछड़ रहे हो लेकिन एक सर्वे में हम नंबर एक पर है दुनिया में। वो ये है कि भारत के 1% अमीर लोगों के पास में देश की 41% प्रॉपर्टी है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में कहा था कि आप सिर्फ लोकशाही से खुश मत होइए जब तक कि ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। लेकिन ये हम एग्जैक्टली उससे उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम अपने सोशलिज्म को छोड़ रहे हैं और अगर इसी तरह सुपर रिच तो हमारे मुल्क की संपत्ति पर काबिज होते जाएंगे तो धीरे धीरे हम फिर से गुलाम बनते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये जो इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी है, प्राइवेटाइजेशन है, इसके खिलाफ लड़ना होगा, तो ही हम संवैधानिक आज़ादी को वापस ला पाएंगे। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से अभी 24 का इलेक्शन का माहौल देश में बन रहा है, अभी इंडिया अलायंस बन चुका है, देश की जो नामचीन बड़ी पार्टियां हैं उनको चुनाव आयोग EVM के ऊपर डिस्कशन के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है, या फिर जो अन्य दल है उनको भी वो डिस्कशन के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है, तो एक जो ऑटोनॉमस बॉडी है चुनाव आयोग, उसको आपको लगता है कि किस तरीके से वो जो बिहेव कर रहा है ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जायज़ है? धीरे धीरे हमारी सारी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो धराशायी होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन उसका एक बहुत बड़ा मिसाल है, क्योंकि महाराष्ट्र के केस में भी हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से सिंबल इतना इमीडिएटली अलॉट किया था एक गुट को, जो नहीं करना चाहिए था। तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं, ये इलेक्शन आने के वक्त ही क्यों आंदोलन करती हैं? 4 साल से इन्होंने आंदोलन नहीं किया, आम आदमी रास्ते पर लड़ रहा है EVM के खिलाफ, और जो पार्टियां हैं जो बेनिफिशियरी रहने वाली है वो कभी मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी, अभी पहली बार हुआ है, तो उनको ये आंदोलन तेज करना पड़ेगा। आखिर में लोगों की ताकत ही घुटनों पर लाएगी इंस्टीट्यूशंस को, तो लोगों ने इकट्ठा होकर आंदोलन करना चाहिए, चाहे बड़ी पार्टियां आए चाहे ना आए। हम देख रहे हैं कि लोग अपने जज्बात, भारत के जो सिटीजन्स है, भारत के जो नागरिक है, अपनी जो सोच है ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम एक सेकुलर राष्ट्र है और इसी से हम महाशक्ति बनेंगे। और लोगों से बात करते हैं, 75वें प्रजासत्ताक दिन पे पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा है और नागपुर से पूरे भारत को और पूरी दुनिया को भारत के जागरूक नागरिक जो देश के प्रति कटिबद्ध है, अपने दायित्वों के प्रति कटिबद्ध है और वो देश को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं सर, नागपुर में पूरा जो नागपुर के नागरिक है ये उत्साह मना रहे हैं, ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं डेमोक्रेसी का, अपने मत का, अपने अधिकार का। इस दिन आप क्या मैसेज देंगे देश को? ये देखिए, ये आज का जो दिन है वो बड़ा दिन है इस हिसाब से देश के लोकतांत्रिक देश के लिए कि इस देश 26 जनवरी को
जो है हमारा जो संविधान है पूरी तौर पे लागू हुआ था। और ये बात जो उसके प्रियम्बल में जो बात आती है उसमें कि ये देश सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, ये प्रियम्बल की। और यहाँ पर जो है जस्टिस मिलेगा सबको, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा और लिबर्टी होगी सबको, अपने फ्रीडम होगा, अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, इन तमाम चीज़ों का, ये प्रियम्बल हमारा कहता है। तो इसकी जो आत्मा है प्रियम्बल, जो संविधान की आत्मा है, वो धर्मनिरपेक्षता की। ये धर्मनिरपेक्षता जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने इसको बहुत ख़ास तौर से, जैसे जो बात संशोधन में सामने आई थी, लेकिन इस बात पे कि देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और ये सिर्फ संविधान की बात नहीं थी बल्कि इस देश की सभ्यता में हम देखें, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को देखें, महात्मा ज्योतिराव फुले को देखें, शाहू महाराज को देखें, जो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और भी महान संतों को देखें, या जो ख्वाजा गरीब नवाज को देखें, तो इक्वलिटी, समता का एक मैसेज है इस देश के संविधान में। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ऊंच नीच, जात पात, तमाम चीज़ों को ख़त्म करके तमाम धर्मों, भाषाओं, इन सबको, सबके सुप्रीम ऊपर जो रहेगा वो देश का संविधान रहेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एससी, एसटी, एसटी, ओबीसी या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये आपस में ताना बाना क्यों नहीं बना पाते, ऐसा क्या कमी रह जाती है कि ये जब भी, यानी जब कुछ खतरा होता है तभी साथ में आते हैं, पर जब भाईचारा का माहौल होता है ये आपस में ताना बाना क्यों नहीं बना पाते? अच्छी देखिए, इस देश की संस्कृति बरसों से रही है कि एक वर्णवादी व्यवस्था ने उन्हें अपना मानसिक गुलाम बना के रखा है, बरसों से मानसिक गुलाम बने रहे। लेकिन संविधान के आने के बाद जो सबसे पहली जो चीज़ थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे, वो शिक्षित करना, तो लोगों को जो राइट्स मिले, जो उनको मूलभूत अधिकार जो संविधान के पार्ट थर्ड में आता है, तो उसमें अहम अधिकार भी जो शिक्षा का अधिकार है, जो जो जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने अधिकारों को समझेंगे। तो शिक्षा का एक अधिकार मिला, रहना, खाना पीना, इक्वलिटी, उसके साथ शिक्षा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है, जैसे तीन ऑर्गन है इसके, लेजिस्लेटिव देखें आप या एग्जीक्यूटिव देखें, जुडिशरी देखें, तो जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है आपकी मंशा, आपकी नीयत पर डिपेंड करता है कि आप वोट लेते हैं आदिवासियों का, दलितों का, ओबीसी का और मूल निवासियों का वोट लेते हैं, लेकिन सवर्णों के हाथ में आप सत्ता दे देते हैं। तो इसकी वजह से यही होता है कि भाई मानसिकता उसी तरह से रहती है और बदलाव जो चाहते हैं आप नहीं आता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो आज भी 75 साल संविधान को हो गए, 78 साल आज़ादी को हो गए, आज भी जो लोग वंचित थे आज भी वंचित हैं, आज भी जो आदिवासी जैसे हैं वैसी ही जिंदगियाँ गुजार रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे हम बोलेंगे बदलाव नहीं आया, बस ये कि जो जानवरों की तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे थे उन्हें संविधान एक इक्वालिटी की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है और उन्हें संघर्ष सिखाता है, जैसे संगठित होने की आज़ादी देता है, फिर संघर्ष का एक आपके अंदर जज्बा होता है, जो आप जज्बा आज देख रहे हैं कि इसके पीछे आप देखिए कि जो तिरंगा आज लहराना चाहिए, जैसे मतलब आज जिस तरह से, तो आप तो देश में देख रहे हैं कि देश को किस तरह से एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, देश को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए तमाम जो सोशलिस्ट पैटर्न हमारे देश का समाज, उसको इन्होंने चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, और जो नौकरियां युवा बेरोजगार है और नौकरियों के अंदर खास तौर से जो बैकलॉग है उसको भरा नहीं जा रहा। सर, मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर, एक संगठन है महाराष्ट्र लेवल की, इसका नागपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग जो असल में काम करते इशू पे, ये संवैधानिक इशू पे, जो बाबा साहब ने इक्वलिटी की जो बात की है, ये हर आदमी को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन हम देखते हकीकत में बिल्कुल नहीं है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, रईस और रईस होते जा रहा है, इवन उसको जो अधिकार है राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, इसके अंदर में बिल्कुल उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। वही अधिकार हम लोगों को दिलाना चाहते हैं, और वो जब जब हम उसके ऊपर में कामयाब होंगे, जब यहाँ सर्वसमावेशी विकास होगा, सर्वसमावेशी विकास, क्योंकि मोदी साहब ने जो नारा दिया था पहले, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम क्या देखते हैं, विकास एक ही तरफ हो रहा है। विकास को ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को विकास बोलते हैं। गरीबी की खाई बढ़ते जा रही है, भूखमरी का इंडेक्स आप नागपुर में भी देख सकते हैं कि कुपोषण से कितने लोग मर रहे हैं, इसके बारे में पेपर में। इन हालातों में जिस तरीके से माइनॉरिटीज हो, या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, या फिर एससी एसटी ओबीसी है, जिन्होंने, जिनको हक और अधिकार हमारा संविधान देता है, उनका जो आपस में तालमेल होना चाहिए, जो आपस में उनका मेल मिलाप होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, इस तरीके से आपको लगता है कि एक खाई आई है उसमें भी?
हाँ खाई तो जरूर आई है, लेकिन अभी कुछ महीनों से जो नागपुर में ये फेडरेशन बना है, इस फेडरेशन से 130 संगठन जुड़े हैं और इस फेडरेशन के वजह से हम लोगों में गर्मजोशी आई है और हम एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, आदिवासी हो, गोंडगुआरी हो, जो भी हो, सब लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आप पूरी कमेटी के साथ में ये संगठन से जुड़े और अपनी आवाज़ ऊपर तक उठाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम ये जो धरने आंदोलन वगैरह जो करते हैं ये तो सिर्फ यानी इनके कान पे जूबी नहीं रेंगती। अब आज ईवीएम के लिए दिल्ली में भी लोग बैठे हैं लेकिन वहाँ उनके साथ में पब्लिक नहीं दिखती, यहाँ पे लोग बैठे हैं वकील साहब लेकिन उनके साथ में भी कोई लोग, जब तक पूरी जनता नहीं ये सब चीज़ों को छेड़ेंगी, जब तक वो सारी चीज़ों के लिए मान्यता हमको नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी पब्लिक जुड़े, आज के आपके माध्यम से ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज कि हर आदमी घर से बाहर निकल जाए, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई समाज का हो, अपने स्वार्थ को पीछे रख के समाज के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं सामाजिक कार्य में शुरू से ही हूँ। इस देश को जब स्वतंत्रता मिली उस वक़्त इस देश में जो भी आदिवासी ओबीसी इत्यादि वर्ग जो था यहाँ पर, उन्होंने इस देश की दो मनुवादी के हाथ में दी। जिस दिन स्वतंत्रता मिली उसी दिन मनुवादी अपने राज्य का, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चालू किया। उसके कारण बाकी जो ओबीसी वगैरह जो नेता लोग थे, वो नेताओं ने उनके मनुवाद के अस्तित्व के अस्तित्व में रहकर अपना कार्य करना चालू किया। उस पीरियड में जिसको अपन बोलते कांग्रेस की सरकार, इन्होंने यहाँ पर भी मनुवादी होने के कारण इन्होंने अपना भला कैसा होगा, मनुवाद का शासन हमेशा के लिए कैसा बना रहेगा, इस आधार से संविधान भी एक देश को मिलने के बाद में भी संविधान के ऊपर ज्ञान न देते हुए उन्होंने लोगों में संविधान की जो अस्मिता है वो बढ़ाने के बजाय उन्होंने मनुवाद कैसा यहाँ पर प्रबल बनेगा। पर जो मनुवाद के खिलाफ थे वो कैसे चूक गए और वो इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं तो वो भी मनुवाद के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि इनके जो अस्तित्व में यानी उन्होंने क्या किया कि श्याम दाम गंतभेद इस नीति के द्वारा मनुवाद ने अपना राज्य किया, और उसमें जो बाकी के लोग थे बहुजन समाज के जो लोग थे वहाँ प्रतिनिधि थे अल्पसंख्यक थे, हाँ अल्पसंख्यक थे, धार्मिक थे, तो ये वो मनुवाद के अस्तित्व में यानी आ गए, दहशत में आ गए, और वो दहशत का राज्य होने के कारण हमारे जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने संविधान पर ध्यान नहीं दिया। संविधान को एक निचले आदमी ने बनाया, अस्पृश्य आदमी ने बनाया, ये धारणा लोगों में फैलाई और इस धारणा में लोग आने लगे, अंगीकृत करने लगे, और उसके वजह से आज जो माहौल बना है, संविधान खाली अभी अभी यानी संविधान पे वो ध्यान दे रहे हैं। आप किस तरीके से उपाय सोचते हैं, ये जो सिचुएशन बनी है, जो परिस्थिति बनी है, अगर से आपने इतनी सारी जिंदगी बिताई भारत की सेवा करते करते, भारत के अपने कर्तव्य को वहन करते करते, आपको क्या लगता है ये समस्या है तो इसका समाधान क्या होगा? मेरे को ये लगता है कि सब जनता जो 85% बोलते हैं या अपने को बहुजन बोलते हैं या इस जो राज्य से इस अस्तित्व से जो घबरा रहे हैं या वो बोलते कि गलत है, तो उन्होंने इस वक्त ये मनुवादी जो यंत्रणा है, मनुवाद के जो लोग हैं, इनको सफाया करना चाहिए, इनको चुन के नहीं देना चाहिए, और इसको अगर नष्ट करेंगे तो ही अपन अपना राज ला सकेंगे, और इसके लिए हमारे हर एक दिल में बेईमानी नहीं होना, ईमानदारी से हमने काम करना चाहिए।